ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कंडेंस्ड मिल्क की हमने कैसे बनाया है। ये देखिए आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं और कितना यम्मी और कितना टेस्टी होगा। और आप कंडेंस्ड मिल्क की वजह से कोई भी मिठाई अपनी स्किप नहीं करेंगे, घर में ही बनाएं कंडेंस्ड मिल्क। और देखिए ये नए तरीके से मिल्क पाउडर से ही हम कंडेंस्ड मिल्क बना रहे हैं, वो भी कोई भी मिल्क पाउडर हो हम उसी से कंडेंस मिल्क बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी ये रेसिपी। एवरीवन आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छायामिश्रा में। गाइस देखिए आज हम सिर्फ हाफ कटोरी दूध से कंडेंस मिल्क बनाएंगे। तो हाफ कटोरी हमारा दूध है और दो कटोरी हमारा मिल्क पाउडर। तो चलिए बनाते हैं। देखिये ये हमारा फ्रिज का रखा हुआ दूध है तो इसको हल्का सा वार्म करेंगे यानी गर्म करेंगे। तो ये दूध का पतीला था तो उसमें ही ये दूध डाल दिया है, इसको हल्का सा गुनगुना कर देंगे। ये देखिए गाइस आप देख रहे होंगे कि इतना गुनगुना किया है कि हमारी उंगली हम इसमें डाल रहे हैं तो बर्दाश्त कर ले रही, बस इतना ही गुनगुना करना है। अब इसमें ऐड करेंगे घी। ये देखिए एक छोटा स्पैचुला हमने घी लिया है, मानकर चलिए 3 से 4 स्पून होगा, तो वो इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छे से मिला लेंगे। इसमें देखिए ये दो कटोरी जो हमने मिल्क पाउडर ले रखा है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, और ऐसे ऐड करना है कि इसमें गांठे ना पड़े इस तरह से। तो ये हम सारा डाल दिया। देखिए ये देखिए इस तरह से। देखिए अब इसमें हम दूसरी कटोरी भी अपना ऐड कर लेंगे, हल्का हल्का सा करके, गांठे ही ना पड़े बस। तो ये दोनों कटोरी हम मिल्क पाउडर ऐड करते हैं। ये देखिए अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दो कटोरी दूध लिया था तो सूखा पाउडर, तो एक आधा कटोरी हमने लिया चीनी, शुगर हाफ कटोरी, क्योंकि दूध पाउडर वैसे भी मीठा होता है इसीलिए। ठीक है, तो आप देखिए ये अच्छे से घुल चुका है तो इसको अब हम पकाएंगे। चलिए ये देखिए गाइस हमने फ्लेम को ऑन किया है और फ्लेम को धीमी फ्लेम पर ही पकाना है, क्योंकि ये दूध पाउडर है तली में चिपक सकता है। ठीक है, तो फ्लेम को बिल्कुल धीमी में चला लें। ठीक है, इस तरह से, और तो इस तरह से हिलाते हुए हमें पका लेना है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए, तब तक इसको हमें पकाना है। देखिए कंडेंस मिल्क कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ मिठाइयाँ हमारी कंडेंस मिल्क से ही बनती हैं, और हमारे पास अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो हम कैसे बनाएं उन मिठाइयों को। इस वजह से हम उन मिठाइयों को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए हमने आपको ये बताने के लिए कोशिश की है कि मिल्क पाउडर से आप कंडेंस मिल्क कितनी आसानी से बना सकते हैं। और इसमें कोई जरूरी नहीं है, इसमें कोई भी मिल्क पाउडर हो सकता है, आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो इसको धीमी फ्लेम पर हमें ऐसे ही चलाते हुए पकाना है। देखिए गाइस इसमें हमने पहले एक स्पून घी ऐड किया था। ठीक है, अब इसमें एक स्पून घी हम और ऐड करेंगे। तो ये देखिए, क्योंकि इसमें घी की मात्रा की जो फैट की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, इस वजह से हमको इतना घी इसमें ऐड करना पड़ता है। तो इसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे। ठीक है, और गाइस देखिए ये दूध पाउडर से बना हुआ होता है तो इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसको आप आराम से बना के रख लें तो एक से एक महीने तक आराम से फ्रिज में अगर रखेंगे तो एक महीने तक आराम से चल जाएगा। तो ये अच्छे से हम पकाते हैं इसको मिला के इस तरह से। देखिए गाढ़ा होने लगा है, ये देखिए तो इसको अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए बन चुका है, तो इसको अब हम इसकी फ्लेम को बंद करेंगे। ठीक है, और देखिए इसमें कुछ आपको दाने दाने दिख रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए भी हम एक उपाय बताएंगे इसको स्मूथ बिल्कुल टेक्सचर एकदम अच्छा सा फाइन टेक्सचर देने के लिए। तो इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें अब हम कुछ नहीं मिलाएंगे और उसको ठंडा कर लेंगे। नहीं रह गई है बिल्कुल कोई लंग्स वगैरह कुछ नहीं रह गई, ये देखिए। चलिए इसको अब ठंडा होने देते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं कि कैसा हो गया है कि ऊपर ऊपर ये गाढ़ा थिक थिक हो गया है और नीचे ये पानी का बैटर अलग हो गया है शुगर का। तो इसको अब हम करेंगे ब्लाइंड, एकदम से मिक्सी का जार लेंगे और ब्लाइंड करेंगे। ये देखिए इसमें कर लिया, इसको अब ब्लाइंड कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस 2 मिनट ब्लाइंड किया है और आपको भी दिखाते हैं स्पून से। ये देखिए कितना अच्छा स्मूथली हो गया है। ये देखिए इसमें एक भी
दाना या कोई लंग्स नहीं रह गया है। तो ये रहा आज की हमारी रेसिपी। तो अब ये अभी आपको ये पतला दिख रहा होगा, बट पतला नहीं है क्योंकि ये अभी ठंडा होगा, अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ था, स्मूथ हो गया है। और अब ये आप इससे आप कोई भी मिठाई बनाइए। अब आपको कंडेंस मिल्क की वजह से कोई मिठाई स्किप करने की जरूरत नहीं है, बस फटाफट ऐसे कंडेंस मिल्क बनाइए और उससे अपनी मिठाइयां बनाइए। और इसको देखिए, ये दूध पाउडर से बना हुआ है, दूध पाउडर में जो होता है पहले ही प्रिजर्वेटिव सब मिला हुआ होता है, इस वजह से ये बिल्कुल खराब नहीं होता। चलिए फिर आप आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो मत देखना, स्किप करिएगा, क्योंकि इसी कंडेंस मिल्क से हम आप लोगों को अच्छे से मिठाइयां बनाना भी बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।